तो रेशो हो, चाहे एजुकेशन क्वालिटी हो, चाहे लिटरेसी हो, 6 to 8 तक का स्टैंडर्ड का रेशो हो, पढ़ लिया आपने क्या? अगर आपने गृहस्थ भारत सरकार की रिपोर्ट पढ़ी है दिल्ली सरकार के लिए, तो उसमें हमारा नंबर बहुत पीछे है, यानी केजरीवाल का बहुत नंबर पीछे है। और दूसरी बात यही, दिल्ली में आज कम से कम 70% में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल है। क्या बात कर रहे, 1000 में से 300 स्कूल में साइंस साइड है। आप कौन से स्कूल में पढ़े? आर्ट्स ली थी आपने, साइंस साइड क्यों नहीं ली? अरे भाई मेरी मर्जी, अगर आप अब कोर्स में सवाल नहीं उठा सकते, मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट्स, यही कहना चाह रहा हूँ। मेरा राइट है, मैं कुछ भी हूँ। स्कूलों में आज भी साइंस साइड है, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, जो साइंस साइड कांग्रेस छोड़ के गई थी, सबसे बढ़िया बच्चा चाहिए होता है उसकी काबिलियत की बात नहीं होती है, होती है। आपको काबिलियत की बात नहीं होती है साइंस लेने के लिए 60 काबिलियत की बात नहीं होती है। काबिलियत पे मत जाइए, काबिलियत पे मत जाइए। आंकड़े दे रहा हूँ, 16 लाख से ज्यादा बच्चे आज दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। रेगुलर टीचर कितने हैं? 57% हैं। और आज भी 24,000 से ज्यादा, सुनिए, 24,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। आपने सवाल उठाए, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी है। अरे 25,000 से ज्यादा वैकेंसी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार की रिपोर्ट है, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की। क्या लिए कोई? और सुनिए, इसके आने के बाद तो प्राइवेट का दायरा बड़ा है। कांग्रेस के टाइम में 30% लोग पढ़ते थे प्राइवेट में, और आज 40% हो गए, माफ कीजिएगा, 21 में 42% थे। और ये लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक स्थिति खराब हुई हम लोगों की, वो 39% पहुंचा है। 1.5% को अपनी अपना अचीवमेंट बताते, शर्म नहीं आती? अरे अगर इतना ही तुम वो हो ना कि हमने बहुत अच्छा एजुकेशन मॉडल बनाया दिल्ली में, पहले भर्ती पूरी करो। और 2020 की भर्ती अभी भी लटकी हुई है, और 2021 में 2022 के जनवरी में नई भर्ती आने वाली थी, आज जुलाई आ गया, एंड हो रहा है, कहाँ है भर्ती का नोटिस? किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या 16 लाख बच्चे 57% टीचर तो टीचरों से पढ़ेंगे? अरे 1031 स्कूलों में से कितने टीचर होने चाहिए? टीचर नहीं है, एजुकेशन का लेवल कम जा रहा है, जो एक पढ़ने का बच्चा की क्राइटेरिया हिसाब से सरकारी स्कूल में पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था। अगर आप ये कहेंगे, अगर आप, अभी मैं इनसे सवाल कर रही हूँ, आपके पास आते हैं कि अपने अपने एक घर में कलावलर करने के बाद ही मैं अब अमीर हो गया, तो बेकार की बात है, ठीक है, लीबा बहुत ही। और मैं आपकी बात और बड़ी कर दूं, दिल्ली के सरकारी स्कूल में लीबा बहुत ही, बिल्कुल हुई है, मैं बात बड़ी कर रहा हूं। टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बताता रहा हूँ, मैं अब 700 स्कूल में प्रिंसिपल है, 700 स्कूल में प्रिंसिपल है, बाकी में नहीं है। एक सवाल और, मैं अभी मैं बता दूं एक और, 2020 में केजरीवाल ने कहा हमने 20,000 कमरे बनाए दिल्ली के स्कूलों में, 20,000 कमरे बनाए हैं। 2021 में फिर से कहा 20,000 कमरे बनाए हैं। फिर 2022 में इनके जो अभी शराब मंत्री जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, श्री 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 मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने कहा बजट में कि हमने 12,000 कमरे बनाए। या तो फिर डिसाइड कर लो बैठ के, ठीक है, कि भाई पीपा के कि हमने एक्चुअल में कमरे कितने बनाए हैं, 20,000 बनाए, 12,000 कमरे बनाए हैं। अगर आपने 12,000 कमरे बनाए तो उसके लिए 12,000 करोड़ तो आपने प्रचार में फूंक दिया। कहाँ है बताइए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करने से एजुकेशन का लेवल सुधर गया, तो कहाँ है आपका रिपोर्ट? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एजुकेशन में नंबर वन है स्कूल में, पढ़िए भारत सरकार की रिपोर्ट और बताइए ऐसे खुजलीवाल को कि आपका एजुकेशन मॉडल कहाँ पर तैर रहा है। जैसे स्विमिंग पूल में पत्ते तैर रहे हैं ना, वैसे ही इसका एजुकेशन मॉडल भी तैर रहा है। तो भरम है ये, और ये भरम ही है, ये जो नए नए चेले ना भगत सिंह के, ठीक है, अपने आपको बता दे कि हम केजरीवाल की नीतियां खराब है स्कूलों के मामले में, तब जब दिल्ली के चुनाव हुए तो कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? सीटें चाहे जीरो आई हो, अगर इतनी खराब स्कूल खत्म हो जाएंगे क्या? अरे आपकी अगर आपने 67 सीटें जीत ली, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी तीर मार लिया क्या आपने? 70 साल कांग्रेस हर जगह हार रही है।